Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मेहकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहत याब होंगे, खुश होंगे। कितने हैंडसम लग रहे हैं आज, बहुत अच्छे लग रहे हैं जी आप सारे। बलाएं उतार लूं, है ना, अपनी टीम की। अच्छा जी, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, और मैंने भी आज पहली दफ़ा सुना। थैंक्स टू कुलसूम, मुझे बड़े नए नए जो है ना इस तरह के सिंबॉलिक कहानियाँ जो है मैं सुनती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसमें होता ये है कि एक जो है साहब होते हैं, और वो जो है रोज़ दो घड़े या मटके जो भी कह लें वो एक जगह से भर के और वो जो है घर लेके जाया करते हैं पानी के लिए। तो वो जो एक होता है घड़ा वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, जो दूसरा होता है उसके अंदर सुराख होते हैं, और जब तक वो घर पहुंचते हैं तब तक वो जो मटका होता है वो आधा हो चुका होता है। मटके और घड़े में क्या फ़र्क होता है वैसे, ये मुझे बताइएगा ज़रा कोई कॉल करके। तो वो जो है जब घर लेके जाते हैं तो वो आधा होता है। तो अब जो है ये क्योंकि सिंबॉलिक स्टोरी है तो उसमें वो जो एक घड़ा है वो दूसरे घड़े से बात कर रहे हैं आपस में, और वो एक जो है वो उसे कहता है कि देखो मैं कितना जो हूँ फ़ायदेमंद हूँ और मैंने अपने पैसे पूरे किए हैं, जब से उसने ख़रीदा है तब से जो वो काम करने के लिए जाता है, जो पानी भर के लेकर आना होता है वो मैं पूरा करता हूँ, और पूरा का पूरा पानी जो है वो घर आता है और वही यूटिलाइज होता है। तुम जो हो, तुम में जगह जगह जो है वो छेद हो चुके हैं और तुम्हारा पानी जो है वो पूरे रास्ते में ज़ाया हो जाता है, तो तुम्हारा जो है मतलब कोई फ़ायदा नहीं, तुम ज़रा थका भी देते हो उसको और तुम्हारा नुकसान भी है। तो वो सोचता है, ऑब्वियसली सुन सुन के जब आपको कोई बहुत ज़्यादा एक बात कहता है ना तो आपको आप उस पर यकीन करना शुरू हो जाते हो कि वाकई शायद मेरे अंदर यही है। वो जो आपकी इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं वो आप भूल जाते हो और आपको बस सिर्फ अपनी कोताहियाँ ही याद रह जाती हैं कि वाकई शायद मेरे अंदर ये भी मसला है वो भी मसला है। तो वो जो है वो बेचारा डिसअपॉइंट सा हो जाता है, वो कहता है क्या है? तो कुछ अरसे बाद जो है वो जो साहब होते हैं जिनके वो दोनों घड़े होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो ये जो घड़ा होता है जो डिफेक्टेड होता है जिसके अंदर सुराख होते हैं, वो उन्हें कहता है कि आप ऐसा करें कि आप मुझे फेंक दें, मुझे मत लेके जाया करें, क्योंकि मेरी वजह से आपको नुकसान ही होता है, तो आप वो जो ठीक ठाक घड़ा है उसी में पानी भर के लाया करें ताकि आपको फ़ायदा हो। मैं सिर्फ एक एडिशनल बोझ हूँ जो आपको कैरी करना पड़ता है, जो आपको लेकर जाना पड़ता है अपने साथ। तो वो जो साहब होते हैं वो उसको कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम शायद सिर्फ बोझ हो, या तुम्हारे अंदर क्योंकि ये नुक्स है तो इसकी वजह से सिर्फ नुकसान ही होता है और पानी सारा जो है वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि तुम्हें ये बात बताई गई है और तुम्हें इस पे यकीन है। लेकिन अगर तुम वो पूरा रास्ता देखो जिस रास्ते से हम होकर आते हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो पहले बिल्कुल बैरन लैंड था, जो बिल्कुल बंजर सी ज़मीन थी जहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब वहाँ पर फूल उगना शुरू हो गए हैं, वहाँ पर फूल बूटे जो है वो पूरी खूबसूरत सी एक वो जगह बन गई है, वो जगह जो है उस पर पानी गिर गिर के तो वो फर्टाइल हो गई है। तो जो तुम्हारा वो नुक्स था उसकी वजह से तुमने एक्चुअली उस ज़मीन का जो है वो फ़ायदा कर दिया जो इतने अरसे से बंजर थी। तो इस स्टोरी का मकसद ये है कि कभी कभी हमें शायद हमारी कुछ एक तो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोगों ने बना ली है अपने लिए कि ये 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 चीज़ होगी तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, और अगर इसके अंदर एक भी चीज़ कम है तो फिर आपके अंदर कोताही है और आपके अंदर कमियां हैं, और हमें इस तरह वायर किया गया है कि बजाय इसके कि जो हमारे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं उसके ऊपर फोकस करें, हम फोकस करते हैं तो सिर्फ अपनी बुराइयों के ऊपर, और उसकी वजह से मोरल भी डाउन हो जाता है, उसकी वजह से हमें अपना आप बुरा भी लगना शुरू हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो इंसान के अंदर अच्छाई होती है आप उसके ऊपर फोकस करें। एक विलेज की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसके अंदर होता ये है कि जब भी कोई इंसान कोई क्राइम करता है, मतलब छोटा सा विलेज है, ऑब्वियसली आई थिंक 250 के 300 लोग हैं उस टोटल टाउन के अंदर, तो उसमें जब भी कोई क्राइम करता है तो बजाय इसके कि उसको पनिशमेंट दी जाए, सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उसको उसके अच्छी बातें याद दिलाते हैं, उसके अच्छे डीड्स याद दिलाते हैं, उसने जो ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया वो उसको बार 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 याद दिलाते हैं, उससे जितने लोगों की ज़िंदगियां अच्छी हुई वो याद दिलाते हैं, और उसके बाद उसकी वो एक डीड जो उसने कोई क्राइम किया है उसकी वजह से क्या रेपरकशन है उन्हीं लोगों के ऊपर जिनके साथ वो पहले कुछ अच्छा करता था वो भी बताते हैं, और इससे उसको ज़्यादा जो है अपनी कोताहियों का जो बुरी एक्चुअल आपके अंदर है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया वो एहसास होता है, और वो अपनी अच्छाइयों के ऊपर फोकस करता है और उसकी वजह से वो वापस रिवर्ट हो जाता है, वो ठीक हो जाता है।
तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अच्छा ये चीज़ इसके अंदर बुरी है तो उसको यही बार बार कहते रहो कहते रहो कहते रहो और उसकी वो 10 अच्छाइयों का आप इग्नोर कर दें, फोकस ऑन द गुड थिंग्स, फोकस ऑन द गुड इन पीपल. बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हर किसी को देना चाहिए और एक अच्छाई जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि इंसान उसके ऊपर बिल्डअप करे, उसके बारे में सोचे. जब अपनी एक अच्छाई आपको अच्छी लगेगी तो आप बाकी सारी कोताहियाँ भी जो है वो सीधी कर लेंगे, बजाय इसके कि हम पॉइंट आउट करते रहें बुराइयाँ लोगों के अंदर. अच्छे जी, आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ. आज हमारे साथ होंगे मुस्तफ़ा राना जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं. दिन स्टार्ट करेंगे आज हम लोअर बॉडी वर्कआउट से. हमारे साथ होंगी सादिया दादा जो कि डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक हैं और कुछ इनोवेशंस हुई हैं सिंस के इलेक्ट्रिक ने अपनी नई जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि बिजली चोरी जो होती है, जो बिजली चोरी करना होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है. कैसे हुई है और ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में भी हम बात करेंगे. और आज मेरा भी दिन है और मेरे जैसे बहुत सारे जितने भी टीचर्स हैं उनका दिन है. आज वर्ल्ड टीचर डे है तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, प्यारे प्यारे बच्चों को और टीचर्स को जो है यहाँ पर इनवाइट किया है ताकि हम उनके साथ मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ करें, आज सेलिब्रेट करें टीचर्स को. जो कहते हैं ना कि माँ बाप के बाद जो सबसे बुलंद दर्जा है वो एक उस्ताद का है, तो जो वो आपको सिखाते हैं वो आपकी ज़िंदगी बना देता है. तो उनको जो है आज मैं तो कहूँगी सारे जितने भी बच्चे, पहले तो हम टीचर्स कार्ड बनाया करते थे टीचर्स डे कार्ड स्पेशली जाके टीचर को देना, लेकिन मैं तो काफ़ी बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ वो तो ये नहीं कर सकते, लेकिन एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन अपने टीचर्स के लिए, एक ईमेल, एक मैसेज जो है वो ज़रूर भेजें उन्हें. स्पेशली मैं तो अपने पुराने जितने भी मेरे टीचर्स थे आज मैं सारे नंबर निकालूंगी किधर गए, ताकि उनको भी ये पता चले कि उनका कितना बड़ा रोल है जो उन्होंने प्ले किया आपकी ज़िंदगी में. आज के दिन पर मैं स्पेशली मिसेस फारूकी को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी. शी वॉज माई फर्स्ट टीचर, माई फर्स्ट प्रिंसिपल, और मेरे बचपन की जितनी भी तालीम थी जब हमारे हालात ऐसे थे कि एट सम टाइम्स अफोर्डेबल भी नहीं थी, शी अफोर्डेड इट, शी टुक मी इन. मैं उनके हॉस्टल में गई, मैं उनके स्कूल में पढ़ी एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट द हैसल्स ऑफ कि कैसे पूरा होगा और क्या होगा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उन्होंने मुझे अपने हॉस्टल में भी रखा और उन्होंने मुझे पढ़ाया भी. सो थैंक यू सो मच. आज मैं जहाँ पर हूँ वो आपकी वजह से हूँ और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी और मैं जल्द से जल्द आपसे मिलने आऊँगी. मुझे पता है मैं प्लान्स बनाती हूँ और उसके बाद ज़िंदगी की जितनी मसरूफियात है उसमें हम बिज़ी हो जाते हैं, तो आज मैं अपने आप को डांट रही हूँ और मैं सबसे पहले जो है आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह ताला आपको लंबी और खुशगवार ज़िंदगी दे, आपको जो एहसान आपके मेरे ऊपर है उसका अजर आपको दें. मिस्टर एंड मिसेस फारूकी दोनों को मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी. आपको अपने टीचर से कौन सी शिकायत है ये आपने आज मुझे कॉल करके बतानी है. बहुत सारी शिकायतें होती हैं ना, सबसे ज़्यादा शिकायत फेवरेटिज्म की होती है. मैं तो नहीं मानती कि मैं फेवरेटिज्म करती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन चलें आप कॉल कीजिए और मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा आपको जो है क्या शिकायत है. और शिकायत के अलावा कॉल करके अगर किसी टीचर को आप पैगाम देना चाह रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं आज, तो कॉल कीजिए. शायद आपको इस नंबर शंबर गुम गया हो, लेकिन ये चैनल जो है बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है और शायद आपकी ये बात जो है वो उन तक पहुँच जाए. छोटी सी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक का आपसे. मॉर्निंग हम ज्वाइन किया मुस्तफा ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? हम गुड, जबरदस्त, ठीक ठाक. अच्छा, मुझे अभी शॉक लगा कि इन्होंने सिंस हमारे शो पे आए, इतना अरसा नहीं हुआ है अभी, 8 सितंबर आई थिंक है ना, और तब से अभी तक आपने 12 केजी लूज किया. यस यस. हाउ? डाइट एंड प्रॉपर वर्कआउट, रेगुलर वर्कआउट. अच्छा, और क्या क्या कर रहे हैं आप वर्कआउट के अंदर? वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, लिफ्टिंग करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ प्रॉपर. 45 मिनट से ज्यादा वर्कआउट नहीं करता. 45 मिनट से ज्यादा वर्कआउट नहीं करता. अच्छा. और बट डाइट जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेता हूं और रात का खाना जल्दी खा लेता हूं. दैट्स इट. जबरदस्त. तो देखिए ना, पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज है जो आपको साथ-साथ करना पड़ता है. अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले वेट वेट बताएं कि आपको अपने टीचर से कोई शिकवा हो या कोई बात कहनी हो. यस. क्या है? मेरे स्कूल के जो टीचर थे, क्योंकि वो उनका ऐसा था कि जो बच्चा जो बहुत जल्दी से या तेज से कोई अगर वो कोई चीज़ सुन रहे हैं या बता रहे हैं, जो जल्दी से बताता था उसको कहते थे हाँ बस तुम्हें आता तुम बैठ जाओ. अच्छा. तो मैं ऐसे करता था हर चैप्टर में या क्वेश्चन की पहली दो लाइंस बड़ी तेजी से अच्छे तरीके याद कर लेता था. उससे होता यह था कि मैं बच जाता, वो कहता हाँ बैठ जाओ,
पर बाद में मुझे लगा यार मैं पूरा ही याद कर लेता, मेरे नंबर ज्यादा आ जाते। तो उसमें टीचर का क्या कसूर है? मतलब कि मुझे लगा आपका कसूर है ना, टीचर को तो था कि आपको जल्दी जल्दी सीख जाए, ज्यादा सीख जाए। नहीं बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। बट अगर वो मेरे से कहते कि नहीं यार पूरा ऐसे नहीं, पूरा सुनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बताओ, मैं ये मतलब टीचर्स को कह रहे हैं मजीद स्ट्रिक्ट हो जाएं, ज्यादा लंबा देर के लिए खड़ा किया करें, मुर्गा बना दिया करें अगर नहीं आता तो, है ना, ये शिकवा है। नहीं नहीं, आई गेट इट, बट आई लव माय टीचर्स। या आई गेट दैट, एंड यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, एंड देयर इज ऑलवेज लव इन योर हार्ट फॉर टीचर्स एज वेल। टीचिंग टेक्निक्स पे भी हम आगे जाके बात करते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? लोअर बॉडी का वर्कआउट है। पाकिस्तान में जो खवातीन है तो मोस्टली जो उनका जो वेट गेन होता है वो थाइस पे है, लेग्स पे और हिप्स पे है, लोअर बैक पे। बिल्कुल। तो इसलिए आज मैंने फोकस किया है कि लोअर बॉडी का वर्कआउट किया जाए ताकि वो वापस शेप में, बॉडी शेप में और प्रॉपर जो है वो फिटनेस की तरफ। जिसका फॉर्मूला मेरी स्किन से कर धो डाले, पाम ऑलिव नेचुरल्स फ्लॉलेस क्लीन, यू कैन फील इट। वेलकम बैक टू मेहेक्ति मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे सादिया दादा ने, डायरेक्टर कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा, आज अभी आपने मुझे बताया टुडे इज वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। टुडे इज वर्ल्ड एनर्जी एफिशिएंसी डे। एफिशिएंसी डे, व्हाट इज एफिशिएंसी? कंजर्वेशन तो चले मुझे समझ आते, बचाना। सो इट्स अ बेटर वे ऑफ सेइंग कंजर्वेशन। देखिए, बिजली की बचत जो है वो हम सबकी मुश्तरक जिम्मेदारी है, उसका एक समझदार इस्तेमाल जो है ना वो बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड एनर्जी एफिशिएंसी डे के ऊपर जो की मैसेज है वो ये है कि आप ऐसे अप्लायंसेस इस्तेमाल करें, इसका हरगिज मकसद ये नहीं कि आप लाइट ऑफ कर दें, बिजली ना इस्तेमाल करें एंड गो बैक टू द डार्क एजेस। इसका मकसद ये है कि आप यूज करें लेकिन वाइजली करें, एफिशिएंसी के साथ करें, उन अप्लायंसेस के थ्रू करें जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और वही सहूलत आपको देते हैं या शायद उससे बेहतर। सो हाउ डू यू नो, मतलब एक लेमैन को कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में जितनी भी अप्लायंसेस हैं उसमें से कौन सी एनर्जी एफिशिएंट है और कौन सी बहुत ज्यादा एनर्जी, मतलब मी you know, being a person जिसको थोड़ा बहुत शायद पता भी है इन चीज़ों का, I would still say मेरे घर में इस्त्री सबसे ज़्यादा जो है वो बिजली खाती है। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो अब एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसके तहत आपके अप्लायंसेस पे एक स्टार लगा होता है। अच्छा। स्टार अप्लायंसेस हैं वो कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दैट्स वन। दूसरा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में जो बल्ब्स हैं, इफ़ यू चेंज द बल्ब्स और आप LED लाइट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो जो एनर्जी कंजम्पशन जो लाइटिंग की तरफ से होती है 60% कम हो सकती है। 60%, दैट्स अ लॉट, दैट्स अ लॉट। इफ यू स्विच टू एन इन्वर्टर AC यू कैन सेव अप टू 50%। जो एयर कंडीशनर रेगुलर इस्तेमाल करता है उससे 50% लेस एन इन्वर्टर AC इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, सो दीज आर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। दीज आर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। वो जो स्टार का शेप लगा होता है उसमें फिर होता है कि फॉर एग्जांपल जो पुराने अप्लायंसेस हैं इफ दे आर टू ओल्ड तो वो दे स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एनर्जी। आप AC का फिल्टर चेंज कर दें, उसकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी, लोड कम हो जाएगा। योर फ्रिज, अगर कोयल गंदा है, पुराना है, सर्विस नहीं हुआ, या फ्रिज पुराना है आपका, रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर देता है। सो इफ यू स्विच टू अ न्यूअर टेक्नोलॉजी या यू क्लीन इट अप रेगुलरली, उसको साफ रखें, साफ सुथरा रखें, उसकी एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाती है, तो आपका बिल भी कम हो जाता है। बेसिकली मेंटेनेंस बहुत जरूरी है चीज़ों के, अप्लायंसेस को पुराना ना होने दें, फिर थोड़ा सा केयरफुली जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करें, एंड देन ऑब्वियसली टाइमली, कोई भी चीज़ खुली ना हो, ऑन ना हो कॉन्स्टेंटली। सो दिस इज हाउ यू कैन, अगर आप कमरे में नहीं हैं तो वो जो पंखा या बत्ती या इवन AC जो है वो इस्तेमाल में नहीं है तो आप उसको ऑफ कर दें। ये बड़ी एक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हैबिट होती थी हमारे पेरेंट्स। मुझे अभी भी है, मैं वो निकलते हुए ना आई रिमेम्बर, मुझे इतनी दफा मेरी फ्रेंड्स जो है मेरे पीछे जो भी आ रहा होता है बेचारा अंधेरे में रह जाता है, बिकॉज द मोमेंट आई ओपन द डोर साथ ही बिजली बंद करके बाहर निकल जाते हैं। सो दे लाइक, यू नो, वी आर स्टिल इनसाइड। आई एम लाइक, इतनी आदत हो चुकी है वो लाइटें ऑफ करने की, डांट पड़ती थी। अरे इसीलिए कह रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी इस्तेमाल करें क्योंकि अंधेरे में चोट भी लग सकती है। एग्जैक्टली, इस्तेमाल करें लेकिन वाइजली करें और समझदारी से करें। तो आज आई थिंक वर्ल्ड टीचर्स डे भी है। यस, सो वी आर टीचिंग देम एन इंपॉर्टेंट लेसन। यस यस इट इज। और हम एक्चुअली ये जो एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन की जो मैसेजेस हैं ये स्कूल्स में लेके जाते हैं, टीचर्स के थ्रू हम जो है स्टूडेंट्स में उसको डिसेमिनेट करते हैं। अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग।
हमें आपकी मेरी तो आदत बन गई, हैबिट बन गई, अगर किसी ने सिखा दिया तो सिखा दिया, बट ये जो बच्चे हैं द फ्यूचर जनरेशन, इनके थ्रू टीचर्स के थ्रू वी टेकिंग दिस मैसेज टू स्कूल चिल्ड्रन. अबाउट 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं और डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनको हमने एजुकेट किया ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. फ्लेज करवाते हैं कि जी आप फालतू बत्ती पंखे जो है वो बंद रखेंगे, एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करेंगे, चीजें स्टैंड बाय पे नहीं छोड़ देंगे. तो ये छोटी छोटी चीजें, इससे आपका बिजली का बिल भी कम आता है. बिजली का बिल और हमारी यू नो हमारे मुल्क में हम इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन बिजली की बचत जो है वो हम सबका सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेफिनेटली डेफिनेटली. अच्छा, ये प्रोजेक्ट उजाला के बारे में मुझे कुछ बताइए, ये कब शुरू हुआ और लोगों को किस तरह से जो है फायदा हो रहा है? व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट उजाला? एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस के थ्रू निकल के एक कम्युनिटी के साथ काम करके एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. इसकी जो बेसिस है वो है सस्टेनेबल प्रोग्रेस. अच्छा, व्हाट वी डिड वाज कि कराची में और आई एम श्योर दूसरे जगहों पे भी होता है, बिजली चोरी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उससे ना सिर्फ नुकसान होता है, मुल्क को नुकसान होता है, उसके बाद वो कुंडा जो डलता है उससे ट्रिपिंग होती है, वोल्टेज आती है, सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, खुदा ना खास्ता हादसे भी हो सकते हैं. ऑल ऑफ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एनवायरमेंट. तो हम 24 घंटे जो है ना उसको आप एक कुंडा उतार भी लेंगे, बट वो हैबिट चेंज ड्राइव करना, वो ओनरशिप लेके आना, तो कम्युनिटी के तावुन से जो है ये प्रोजेक्ट उजाला है, वेर वी गो इनटू अ कम्युनिटी. मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप कराची से वाकिफ हैं तो रणछोड़ लाइन का एक एरिया है जिसको आप गजराबाद कहते हैं, तो वहाँ की कम्युनिटी में हम गए, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जी हम इंश्योर कराएंगे कि जी कुंडे उतरवाए जाएं, लोग सारे मीटर्स लगाएं, सब ग्रिड के ऊपर आएं और प्रॉपर तरीके से बिजली इस्तेमाल करें और उसका बिल भी उसी तरीके से दें. वहाँ पर 7.5 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और उसके अलावा ट्रिपिंग और फॉल्ट्स वगैरह की तादाद बहुत ज्यादा थी, बिकॉज आपका सिस्टम ओवरलोड हो जाता है. 7.5 घंटे की लोड मैक्सिमम. ओह माय गॉड. एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, हार्डली उनकी कंप्लेंट्स जीरो हो गई है, ट्रिपिंग बहुत कम हो गई है. एंड दिस इज वन एरिया. अच्छा. ऐसी 100 से ज्यादा कम्युनिटीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी एम टू डू 200 कम्युनिटीज बाय द एंड ऑफ 2017. अच्छा, दैट्स अमेजिंग एंड दिस इज सस्टेनेबल एज वेल. इसके अंदर मेन चीज जो है, इज दिस आई डोंट नो ये क्या है, ये आप एक्सप्लेन करेंगे. इसके अंदर मेन रोल क्या किसी ABC केबल आपका है? बेसिकली इस वक्त जो है जो आपका नेटवर्क है उसमें बेयर कंडक्टर तार लगी हुई है जिसके ऊपर कुंडा लगाना बड़ा आसान है. बिल्कुल. तो जो एरियल बंडल केबल है, ये तीन केबल्स जो है मर्ज है और वो इंसुलेटेड है. बेसिकली देयर कुंडा रेजिस्टेंट, इस पर कुंडा लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन. तो जब आप कुंडा नहीं लगा सकते, इसका मतलब ये कि अगर तार जा रही है तो फिर दी ओनली वे कि आप उस नेटवर्क से बिजली लें कि अगर आपके पास एक रेगुलर प्रॉपर मीटर्ड कनेक्शन मौजूद है. तो वो एरियल बंडल केबलिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इलेक्ट्रिक कर रहा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन. और ये दुनिया की एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि जी आप बंडल केबलिंग है, ये सेफ भी होते हैं. अच्छा. चोरी भी नहीं होती, इसकी जो नुकसान होता है वो भी कम होता है. तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं और इसका बड़ा हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखा है. अच्छा, ज़बरदस्त. तो इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, मतलब इज दिस अ ह्यूज प्रोजेक्ट जो सिर्फ उन इलाकों में हो सके जहाँ इन्वेस्टमेंट मिल रही है, या ये ऑल ओवर हर जगह पॉसिबल है? देखिए, हमारी इंटेंशन तो ये है कि वी टेक दिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ में लेके जा सकें, स्पेशली जो क्रॉनिक एरियाज़ हैं जहाँ पे थेफ्ट बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कुंडा डलता है ना, तो आपकी PMT ख़राब हो जाती है, जल जाती है, ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा है. फिर लोगों को तकलीफ पहुँचती है, इलाका मकीनों को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, बिकॉज उन एरियाज़ के अंदर अब वो कुंडा माफिया जो है ना वो आपको फिर अंदर भी नहीं आने देते, बिकॉज अगर आप उसको फिक्स करेंगे तो आप कुंडे उतारेंगे. तो ये एक बड़ा बड़ा क्लैश और रिगरस प्रोसेस, बड़ा मुश्किल भी है. इसमें जब कम्युनिटी की बाइन आ जाती है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट उजाला, कि जो मोहल्ले में जो रिहायशी है, इलाका मकीन है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है. वो कहते हैं कि जी आप हमारे इलाके में आए एंड वी विल हेल्प यू आउट, वी विल मेक श्योर कि मीटर्स लगे, लोग बिल दें. उनको फायदा क्या होता है कि उनके इलाके में जो है वो बिजली की फरामी जो है वो रिलायबल हो जाती है. एक स्टेटस सिंबल भी है ना कि जी हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती. बिल्कुल, डेफिनेटली. कराची में 60% एरिया के अंदर लाइट जाती ही नहीं जाती. तो ये जो पॉकेट्स रह गए हैं यहाँ पर हम काम कर रहे हैं. थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. मेरा अगला सवाल भी ये था कि इसमें कोई आपको हेल्प है इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट उजाला में, हाउ आर यू गेटिंग हेल्प? देखिए, डिफरेंट आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो जो लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलाके के जो एल्डर्स होते हैं, कराची में काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं, तो उनके जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी हेल्प डेफिनेटली चाहिए. ये एक इदारे या एक इंसान का काम नहीं है, एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर. सो कोलैबोरेशन इसकी
کولیبریشن وہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی ایریاز ہیں جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے یا لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے یا فالٹ زیادہ ہوتے ہیں. ان علاقوں میں ایشوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز, ہیلتھ کے ایشوز. جب ہم علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کافی سارے سوشل سیکٹر کی این جی اوز ہیں جو جاتی ہیں, فار ایگزامپل ایل آر بی ٹی جو کہ سائٹ کی اور ویژن کے چیک اپس کرتی ہیں ان ایریاز کے اندر. میری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر ہے, وہ اسکن ڈیزیزز کے اوپر ورک شاپس, سیمینارز, فری ہیلتھ چیک اپس کرتے ہیں. تو یہ کمیونٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. وہ زبردست ہے کہ پوری کمیونٹی انگیجمنٹ, اٹس ناٹ جسٹ فوکسنگ آن ون پارٹ بٹ ان ملٹیپل ایریاز. آگے جا کے جو ہے میرا سوال آپ کے کچھ اسپورٹس کی جو ہے اس کے اندر بھی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال تھا جو میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گی کہ یہ جو شہر بھر میں کھمبوں پر ناروں کے گچھے لگے ہوتے ہیں, واٹ از دیٹ, یہ گچھے لگنا اس کی لوگ اجازت کیسے دیتے ہیں یا یہ ہے کیا چیزیں؟ جو بجلی کا انفراسٹرکچر ہے آئیڈیلی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لگی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے یا اس کے ساتھ انٹرفیئر کر رہی ہے, جیسے یہاں پہ ہے آپ میڈیا میں بات کر رہے ہیں اور سیل فون بجے گا تو وہ اس کی فریکوینسی ڈسٹرب ہوتی ہے. جب آپ سیل ٹیک آف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اپنا سیل فون بند کر دیں. اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹرفیئر کرتی ہیں بجلی کے نظام کے ساتھ. اکثر ہوتا ہے کہ جو آپ کے یہ فائبر آپٹک کے کیبلز ہوتے ہیں یہ فلیمیبل ہوتے ہیں, اس سے آگ لگنے کا خدشہ ہے. اگر وہ آئسولیشن میں ہے تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, لیکن اگر وہ بجلی کے انفراسٹرکچر کے ساتھ ہے یا میٹرز کے قریب سے گزر رہا ہے تو پھر یہ ایک ہیزرڈ ہو جاتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں یہ کیونکہ انفراسٹرکچر موجود ہے کراچی میں, میں آپ کو ایگزامپل دوں 26,000 پی ایم ٹیز ہیں, لاکھوں کے قریب پولز ہیں, تو وہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے, بٹ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کلین رکھیں, اس پہ سے جو گچھے ہیں یہ اتاریں. مختلف ایجنسیز ہیں, مختلف آرگنائزیشنز ہیں جن کے اوپر یہ ہوتے ہیں, ٹیلی کام کے ہو سکتے ہیں, کیبلز کے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ کے ہوتے ہیں, فائبر کے ہوتے ہیں, اور اجازت انہیں کیسے مل جاتی ہے؟ ہاؤ کین دے ڈو دس؟ مطلب ایک انفراسٹرکچر ہے, اب جا کے کیسے اس کو, مطلب بغیر قسم کی کوئی قسم کسی کوئی اجازت نہیں ہے, اجازت ہرگز نہیں ہے. یہ جو ہم انٹریکشن کی بات کریں, ہم لے مین کے اس کے ساتھ نہیں کریں گے, اس نے خود ڈال دیا اس کے اوپر, یہ تو پراپر ایک سیٹ اپ ہے جو لگا کے جاتے ہیں باقی کمپنیز اینڈ آرگنائزیشن. سو یہ ہیزرڈ ہے, کیئرفل. یا یہ لگتا بھی اتنا, آئی نو, مطلب آئی ایم ناٹ فیملیئر ود اٹ بیکاز اسلام آباد میں یو وونٹ سی دس بہت زیادہ, تو اس لیے میں نے پوچھا کہ کس چیز کے گچھے. اور مجھے تو بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے کوئی جو ہے ایک آلریڈی ایک انفراسٹرکچر کھڑا ہے جو ایک چیز کے لیے اسپیسیفکلی, اس کے اوپر آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آئی مین اینی ویئر ایلس ان دی ورلڈ دیٹ وڈ بی اے کرائم. اٹ از کمپلیٹلی الیگل آئی وڈ سے, اینڈ وی آر ورکنگ ٹو کلین دیٹ اپ, کیونکہ فار اس سسٹم کی ریلائبلٹی, سیفٹی وہ بہت بہت ضروری ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ اسٹیپس ہیں یہ لینے ہیں. 100 سال کا سفر جو ہے 6 سالوں میں ہم نے کافی کور کیا ہے, سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ کی ہے جنریشن کے اندر, ڈسٹریبیوشن, ٹرانسمیشن کے اندر, تو یہ پروجیکٹ بھی اسی کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ ایک کلین اپ ڈرائیو بھی جو ہے جلد لانچ کی جائے گی. امیزنگ امیزنگ. اچھا جی, یہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے کہ الیکٹرک اور ویمن اسپورٹس کو کافی جو ہے آگے لے کر آیا ہے, سو اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. ہم نے لاسٹ ایئر بڑا ایک ایکسپیریمنٹل اسٹیپ لیا تھا گرلز باکسنگ کے حوالے سے. گرلز باکسنگ, یس, انٹرسٹنگ. چھوٹی ینگ گرلز اینڈ فرام آل اکراس کراچی, ڈفرنٹ ایریا سے, ڈفرنٹ علاقوں سے وہ بچیاں آئی تھیں. ہم ان سے جا کے ملے, ہمیں لگا کہ کتنا زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے, لیکن جتنی تعداد میں وہ بچیاں آئیں, جو ٹیلنٹ ان کے اندر تھا اور جو جذبہ تھا کہ پروفیشنل باکسنگ انہوں نے کرنی ہے, دیٹ واز امیزنگ. کئی لڑکیاں جو تھیں وہ ایسے ایریا سے تھیں ان کے پاس باکسنگ رنگ نہیں تھا, انہوں نے محلے میں ایک گدا ڈال کے نا اس پہ رسیاں لگا کے وہاں پہ پریکٹس کر کے جو ہے وہ اس پروفیشنل میچ میں آئیں. اور جب وہ ہار جیت کی جب اناؤنسمنٹ ہوتی تھی نا, تو جو ان کا اور ان کے گھر والوں کا, فیملی والوں کا ریئیکشن ہوتا تھا, وہ کسی مطلب پراپر پروفیشنل جذبہ کہ ہم نے آگے جا کے پروفیشنل باکسنگ کرنی ہے, مطلب رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جائیں. آپ ان بچیوں کو دیکھیں کہاں سے وہ آ رہی ہیں, ویئر دے وانٹ ٹو گو, اور کیا ان کے ارادے ہیں. تو وہ ان کے رول ماڈلز اور آئیڈیلز بھی جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو ویری سیریس. تو یہ دیکھ کے کہ اتنا گرلز میں ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر, اٹ واز این آئی اوپننگ. Wow, that's amazing. And کسی نے انیشیٹو لیا ہے تو یہ سامنے, کوئی اس طرح کا نام جو سامنے آیا ہو, کوئی نامور کھلاڑی جس سے ایسوسیشن ہو تھرو دس, کہ الیکٹرک اسپورٹس کے ساتھ بڑا پرانا ایسوسیشن رہا ہے. سو لاٹ آف جو کرکٹرز ہیں جو نیشنل لیول پہ ہیں, کافی ساروں نے اپنے کریئرز جو ہیں وہ کے الیکٹرک سے اسٹارٹ کیے ہیں. شاہد آفریدی, اچھا, amazing. Our current captain سرفراز,
उन्होंने अपने करियर्स के इलेक्ट्रिक क्रिकेट अकेडमी से शुरू किए हैं. उसके अलावा जो आपकी फुटबॉल के अंदर स्टार्स हैं ईसा स्टिल पार्ट ऑफ अस कलीमुल्ला, तो ये जो आपके स्पोर्ट्समैन हैं ये उसकी एक एकेडमी है. हम एक लियारी लीग भी करते हैं, अब जाके उसको हम कन्वर्ट करें इनटू अ यूथ लीग जिसके अंदर फुटबॉल बॉयज के साथ साथ वुमेन स्पोर्ट्स भी इंक्लूड कर रहे हैं ताकि दोनों जेंडर्स को फरोग मिले एंड वी कैन सी कि कितना टैलेंट है किसका पल रहा किसके भारी है. वेरी इंटरेस्टिंग अमेजिंग इनिशिएटिव्स टेकन बाय यू एंड आई थिंक सो. ये बहुत बड़ा मसला है कि मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा ये आता है कि जब ये कुंडे वगैरह डाले जा रहे होते हैं तो आप दूसरों का बिल भी पे कर रहे हैं और बेशक वो घर में सबसे पुरानी अप्लायंसेज यूज करें या वो बिल्कुल भी जो है एफिशिएंसी की तरफ ना जाए, यू हैव टू पे फॉर देम. सो दिस इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव बाय के इलेक्ट्रिक. आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप दैट जो है आपको बहुत सारी इसमें हेल्प भी मिले और जितने छोटे छोटे एरियाज रहे भी गए नॉट यू नो जो एविडेंट नहीं भी है उनके अंदर भी इसका जो आ सके एंड अदर इनिशिएटिव्स टेकन विद इट गर्ल्स मूविंग फॉरवर्ड दैट्स ऑलवेज अ प्लस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. टाइम एक छोटी सी ब्रेक करने के बाद आप सारे वेलकम बैक टू मेहेक्ती मॉर्निंग. मुझे ज्वाइन किया है यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी टीचर्स ने और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने भी और हम सेलिब्रेट करेंगे आज वर्ल्ड टीचर्स डे. अच्छा जी, मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ. हमारे साथ हैं मिसेस सबा वसीम जंजुआ, शुमाइला अक्रम, आयशा, उमायमा इफ्तिखार, मरियम राव, नूर अरशद और समन मुनीर जो हमारे साथ इस साइड पे बैठे हैं वो हैं द एजुकेटर्स हार्ले कैंपस की सारी टीचर्स और यहाँ पे मेरे साथ है रूट्स मिलेनियम स्कूल के सारे टीचर्स. अस्सलाम वालेकुम. यहाँ से कोई मिसिंग है ना? है ना? नहीं, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे फोर पीपल हियर. पता नहीं, मुझे शायद इतनी प्यारी प्यारी खवातीन नजर आ रही थी ना, सो देयर वर मोर पीपल. अच्छा जी, कैसे हैं आप सब? Everybody is good. So, mashallah, I see such young every year. जब भी मैं टीचर्स को बुलाती हूँ, there is a younger lot. हमेशा ना मुझे लगता है पढ़ाने का शौक जो है वो ज़्यादा. पहले मुझे याद है जब हम वो थे. There is no offense, obviously, to anyone. लेकिन when I was a student, तो especially जो 9th, 10th grade की OA levels की teachers होती थी, they used to be वो Mrs. Kazmi मुझे याद है. उनके नाम भी इस तरह के होते थे ना. I remember two of my teachers जो एक उर्दू की थी और इंग्लिश की थी, used to wear साड़ीज़ और वो बन बना के आती. बड़ी strict होती थी, उनसे कोई बात नहीं कर सकते थे, कोई frankness नहीं होती थी उनसे. और आपने जाना था और पढ़ना था और respectfully बाहर चले जाना होता था. But now I see कि you know there is a friendship between students and the teachers and there is a younger lot coming in. और बच्चे भी फ्रेंडली एटमोसफेयर में ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं. दे आर मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑल्सो. तो ये होता है कि बच्चों का भी इंटरेस्ट होता है, फिर एक्टिविटीज भी होती हैं, टीचर्स भी अच्छी प्यारी प्यारी होती हैं, तो बच्चे भी अच्छा अच्छा पढ़ लेते हैं. ये मुझे याद है जो स्पेशली किंडरगार्टन में जब बच्चे होते हैं ना, तो आपकी एक टीचर फेवरेट होती है. यू नो टीचर्स सबसे ज्यादा प्यारी प्यारी तैयार होके आती हैं सुबह एंड एवरीथिंग, और आप उनके साथ अटैच भी होते हो. एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज यंग, तो हम लोग खेलते थे वो एक रिंगा रिंगा रोज़ेस, यू नो रिंगा रिंगा ही बोलती हूँ मैं ऐसे, रिंगा राउंड रोज ही होता है. बट हम वो खेलते थे, सो हमारे बीच में लड़ाई हो रही होती थी कि टीचर का हाथ किसने पकड़ना है. शी यूज्ड टू बी इन द मिडल. आई रिमेम्बर आई बिट अ स्टूडेंट वंस, यू नो साथ वाले का हाथ काट लिया था कि मुझे टीचर का हाथ पकड़ना. तो इतनी ज्यादा जो है ना, और बच्चे आइडियलाइज भी करते हैं. हाँ, प्रिटी द टीचर इज, बच्चे भी उसके साथ ज्यादा अटैच होते हैं. और मतलब इट लुक्स नाइस आल्सो कि बच्चों को भी ज्यादा अटैच. बट ये फिकल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है. टीचर्स का दिमाग ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी लुक से, ऑब्वियसली. तो हम वैसे बच्चों की साइकी की जो है वो बात कर रहे हैं. टीचर्स के ड्रेसअप होने के साथ साथ उनका द वे दे हैंडल द स्टूडेंट्स, बिकॉज आई रिमेम्बर वी हैड एन ओल्ड teacher, but she was so experienced that it reflected. जब वो पोइम भी पढ़ती थी विद फुल एक्शंस, तो हम लोग वी ऑल यूज टू फॉलो. सो एक्सपीरियंस डज रिफ्लेक्ट, बट ऑफ कोर्स देयर इज लॉट्स ऑफ एनर्जी. बहुत ज्यादा एनर्जी है यंग लॉट में एंड एफर्ट्स भी हैं.
Nobody says कि अभी हम university से आ गए हैं, हम masters करके आ गए हैं, जी हम छोटे बच्चों को पढ़ाएं. So they take it as an honor and वो फिर बहुत ज़्यादा affiliated भी बच्चे feel करते हैं. वो एक fresh चेहरा देखते हैं, बच्चों को उठाने में भी कोई मसला नहीं है, hug करने में भी, kiss करने में भी, और बहुत attached भी हो जाते हैं. Exactly. I've taught younger students and वो जो सुबह सुबह class में जाते हैं, जो सारे आके hug करते थे. I taught बहुत छोटे बच्चे, kindergarten के बच्चों को पढ़ा रही थी. तो वो बहुत ही fulfilling से, and remember जब vacations के बाद आप जाते हो and you see them again. और इतनी जल्दी बड़े होते हैं वो बच्चे, माशाल्लाह. यू नो जो ये वाली एज होती है फ्रॉम 4 to 7 to 8, सो एवरी 2 months यू आर लाइक किधर से 2 इंच ऐड हो गए आप, कैसे आप बड़े हो रहे हो एकदम से. सो दैट्स वेरी ट्रू. अच्छा एक चीज जो है, यू नो बिकॉज वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट द फन टॉपिक्स एंड द सीरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस, दैट वाज के पहले टीचिंग वॉज एन ऑप्शन जो बाकी जॉब्स नहीं हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो जो लड़कियाँ होती थी स्पेशली, क्योंकि रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, पेरेंट्स को भी कोई एतराज नहीं होता, सो दे टीच. It wouldn't be out of choice. तो अब यहाँ पर कितनी टीचर्स हैं जिन्होंने आउट ऑफ चॉइस पढ़ा रही हैं? Everyone? Yeah. It wasn't an alternative. No. I had a choice. Either I go to jazz or I go to teaching. Achha. And I chose teaching over jazz. My field is completely different. अच्छा, what is it? I've studied international relations. अच्छा. I'm teaching since 3 years. And कौन से ग्रेड को पढ़ा रहे हैं आप? Grade 1-2. अच्छा. And you like it and you want to. I love it. अच्छा, और टीचिंग इज वन प्रोफेशन जो आई थिंक सो सब अग्री करेंगे, जो स्कूल टाइम छुट्टी टाइम पे खत्म नहीं होता, जो आपके घर जाता है आपके साथ, जो किताबें भी घर जाती हैं, टेंशन भी घर जाती है. I would like to add my experience के I'm basically masters in electrical engineering. अच्छा. Served in Pakistan Air Force as well. And even then, you know, in between there was a slot when I joined a school and I joined early years, okay? Mm. And when I joined, I was having an agreement ke itne chote bachchon ko padhana hai, itna padh ke aage. Acha, believe you me, 3 months baad itni affiliation ho gayi thi, aur jab summers mein term khatam hone laga tha, mujhe literally rona aa raha tha ki term khatam ho raha hai. Aur waqai I realized the essence ke aap दुनिया ही नहीं अपनी आखिरत भी संवार रहे होते हो, और पेरेंट्स का सबसे बड़ा एसेट क्या है, उनके बच्चे, जो वो मैक्सिमम टाइम के लिए आपके पास भेज देते हैं. एंड सिंस देन आई नेवर रिवर्टेड बैक. आई एम अटैच्ड विद माय फील्ड, लेकिन एक्चुअली आई वांट टू ट्रांसफॉर्म ऑल माय नॉलेज टू माय स्टूडेंट्स, नो मैटर व्हाट ग्रेड इट इज. दैट्स अमेजिंग. एक चीज जिसके ऊपर वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, जिसके बारे में आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान में इतना ज्यादा हमें सुनने को नहीं मिलता, आई विल ब्रीफली डिस्कस दिस, बट बिकॉज इट्स टीचर्स डे सो इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, इज द प्रॉब्लम विद टीचर्स पे. कि जितनी इन्वेस्टमेंट टीचर्स करती हैं पढ़ाई के अंदर, और जितना टाइम वो देती हैं, और जितना इम्पॉर्टेंट, मतलब आपके पास एक क्लीन स्लेट आई है एंड यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट ऑन इट, यू नो, तो आप उनको जो पढ़ा रहे हैं और आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो हैं वो आ रहे हैं, तो आई डोंट सी कि वो पे में जो है ना वो नजर आता है उसकी जो पेमेंट है. सारे टीचर्स को, यू नो, आई नो सारे इस वक्त सोच रहे होंगे अभी सारे माय स्कूल के हेड्स भी देख रहे हैं, कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बिकॉज आई विल से इट फॉर यू, बट आई थिंक देयर इज अ डिस्क्रेपेंसी इन द वर्क एंड द इनकम जो इसके साथ आती है. कोई सर नहीं हिलाएगा ना, कोई भी नहीं देखो बहनों, वी आर आल्सो लर्निंग ना, अगर हम चले बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, बट वी आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम देम, उससे भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं जो हम उन्हें सिखा रहे हैं. पहले वो उस चीज से हम खुद गुजरते हैं, लाइक इफ यू आर टेकिंग ग्रेड 2, तो आप ग्रेड 2 को ले रहे हो, तो आप जब व्हेन यू एंटर देयर क्लास आपको उनके लेवल पे आना पड़ता है, उसके बाद हाँ अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देयर रेंज, और फिर जब आप ग्रेड 5 में जाते हो या 6 में जाते हो, एकदम आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, बिकॉज नाउ यू आर टेकिंग ग्रेड 6 or 7. Yeah, so you have to adjust according to the ranges. Yes, and in this way we are also learning a lot. Yeah, well, my appeal stands still. I feel like pay should be increased for teachers as well, because most of the teachers that we find, wo sole earner ghar ki nahi hoti hain, unke husbands bhi jo hai ghar mein provide kar rahe hote hain, that's a side job that they do. If you have to support a whole system based on your pay, jo aapko teachers ki pay hoti hai, so you can't. वो इतनी नहीं होती कि आप पूरे घर को चला सके. आई डोंट नो, मैक्सिमम पे जो मैंने एटलीस्ट सुनी अभी तक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम्स की भी, वो भी इतनी नहीं है कि पूरा घर जो है वो संभाल सके. वेरी राइट सुंदर, ये वाकई एक बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है, और हम सबको इस पे फोकस करना चाहिए. आई थिंक इट इज अ टू वे प्रोसेस, कि जितना आप अपना 100% डिलीवर करो एंड एक्सपेक्ट वेरी गुड सैलरी, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द मेन पॉइंट यू आर कमिंग टू द स्कूल, बट एट द सेम टाइम
आपको इतना कुछ मिल रहा होता है, बिलीव यू मी, कि आप मार्केट में भी जा रहे हो तो योर चिल्ड्रन आर एडमायरिंग यू एंड ऑल दैट. आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम विद इट, बट व्हेन वी कंपेयर इट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट पेड प्रोफेशन अराउंड द वर्ल्ड. And इतना exposure है teaching courses के ऊपर और बहुत ज़्यादा. So लेकिन primary schools के teacher का मसला all around the world है. मतलब why हमारे यहाँ ये movement अभी तक चली नहीं, so I'm surprised क्योंकि क्योंकि उसका भी reason ये है कि most of the teachers, मतलब अब तो young lot, मैंने कहा ना जैसे ये नई वो है कि young people are doing it and everything. Most of the teachers जो primary में पढ़ा रही होती हैं, they're married, they you know उनका वो side life होता है, they want to go home with their kids, साथ school आए, पढ़ाया, साथ घर चले गए, you know it's easier. तो उनका वो जो जो भी पे होती है, दैट्स देयर पॉकेट मनी टू स्पेंड ऑन द किड्स और एनीथिंग, इट्स नॉट टू रन अ हाउस होल्ड. जितनी भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स बाहर हैं जो ये काम कर रही हैं, जो समर वेकेशन भी आप लोगों की ऑफ नहीं होती, देयर द ब्रेड अर्नर्स एज वेल, एंड देन देयर आर सिंगल फैमिलीज एज वेल, सो देयर इज अ मूवमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर प्राइमरी टीचर्स. मैं तो आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, नहीं भला करना तो ओके. अच्छा जी, अगला जो है सवाल जो सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो ये मैं स्टूडेंट्स के लिए पूछूंगी, टीचर्स के फेवरेट्स होते हैं कि नहीं? बहुत खत्म हो गया ये चीज, इतना झूठ, इतना झूठ. मैं बताती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे हम पढ़ते थे, शायद हमें हमें ये फील होता था कि ये टीचर का फेवरेट है ये. लेकिन उस पूरे प्रोसेस से गुजर के, और नाउ सिंस अभी टीचर ट्रेनिंग के प्रोसेस में भी मैं हूँ, तो आई सी के जब आप बाकी लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करते हो, और आप जब बात करते हो कि ग्रुप वर्क पे काम फोकस करें, पीयर वर्क पे फोकस करें, टीचर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ना सिलेक्ट करें, स्टूडेंट्स को लिबर्टी दें कि वो खुद एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, आपस में डिसाइड करें कि आज तुम लीडर बन जाओ, आज तुम बोलो, कल मैं बोलूंगा. और जब आप अपनी क्लासेस में इस चीज को इनिशिएट करते हो कि वाकई ग्रुप वर्क एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है टीचर्स के लिए, अगर इसका रियल एसेंस टीचर्स जान जाएं तो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. क्योंकि आप नहीं कहते कि ओके बेटा आप आके मुझे आंसर करो, आप बच्चों को चॉइस दे देते हो और वो आपस में डिसाइड करते हैं, एंड व्हिच गिव्स देम कॉन्फिडेंस. अच्छा, दिस इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग, जो वो कहते हैं ना कि यू आर सपोज टू बी फैसिलिटेटर, कि वो टीचर का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया, फैसिलिटेटर क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे भी हम आते हैं. आई वुड लाइक कि यहाँ पर मेरे पास जितने भी टीचर्स हैं, इसमें कोई मदर्स हैं? Is anybody? Yes. So mothers जो है वो best बता सकती हैं कि ये combination of जो schooling है वो school और घर का होता है. So किस तरह आपने जो है ना वो सारा कुछ जो है वो घर में भी transcribe करना है. छोटी सी break हुई है, break के बाद आप सारे. वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. बात हम कर रहे थे टीचर्स की और पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन की. तो एक कॉमन कोई आपको जो है कंप्लेंट तो मैं नहीं कहूँगी, पर एक ऐसी चीज़ हो जो अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स के साथ ना होती हो, जो बड़ा कॉमन मसला है. कॉमन प्रॉब्लम तो ज़्यादातर हमें यही आता है, जिस तरह के बाज़ औक़ात हम लोग कोई होमवर्क दे देते हैं और हमें ये लगता है कि शायद बच्चा कर सकता है, जाहिर उसने जो चीज़ क्लास में की होती है उसी को रीइन्फोर्स करना होता है. बिल्कुल. तो पेरेंट्स के साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स उनको ये लगता है कि ये बच्चे को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज कर दिया गया है, बहुत ऐसा काम दे दिया गया है जो कि उसके उस लेवल से बहुत ज़्यादा है. हालांकि उसके लेवल से ज़्यादा नहीं होता, वही चीज़ उसने क्लास में की हुई होती है उसी को रीइन्फोर्स करना होता है. ये एक ऐसी चीज है जो कभी कभार हमें फेस करनी पड़ती है कि आप इतना ज्यादा, लेकिन हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि चलो थोड़ा सा बच्चे के लिए बेहतर होता है कि वो क्लास में जो कुछ पढ़ा वो उसको रीइन्फोर्स कर ले घर में. लेकिन हाँ, रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई थिंक. अच्छा, सो एनीथिंग एल्स, मतलब इसका कोई सलूशन जो आपको, बिकॉज यू आर नॉट स्पीकिंग टू अस, what is it, hey ab humse naraaz hai? No, actually that reminded me of an incident, because one of the parents came and he said that you give a lot of homework. Achha. But that was not the case, it was actually creative writing. Achha. And I used to ask them to attempt the questions by themselves. Achha. And when they go home they say that I have to attempt 8 questions. So I'm unable to do write like a lot of things, so they think that it's like copy paste and you have to do a lot of work and all. But the thing is that we actually make them do
everything in the classroom, like the main points and the key points, they just have to assemble them and rewrite. So that homework issue is actually... You mean, you already send the child and prepare it, but at home, do you have a solution to this? What can happen? What parents ko kis tarah? I think that one thing that needs to be incorporated is, you know, parents ko bhi educate kiya jaye. हम ये नहीं कह रहे कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है बट देयर इज अ वे अब हर दिन नई डेवलपमेंट हो रही है मतलब आई लुक एट माय सिबलिंग्स की जो बुक्स होती है ना आई सी कि मतलब ये हमने कब पढ़ा था और ये कब पढ़ रहे हैं सो सिर्फ वो जो फैसिलिटेट करना है घर पे यू नो कि आपने करके तो नहीं देना वो वाला जमाने तो चले गए कि टीचर बुलाए कहती है हमें पता ही आपकी राइटिंग है यू नो सो आपने फैसिलिटेट करना लेकिन उसके लिए आपको इक्विप होना भी बहुत जरूरी है आप कुछ बेसिकली मैं अपनी टीचर से कहती हूँ बेसिकली द थिंग इज दैट कि ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं डे टू डे हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन हमारा एक प्रॉपर हमने फिर होमवर्क स्केड्यूल ड्राफ्ट किया हुआ लाइक थ्री होमवर्क्स इन अ लाइक डे वी गिव एट फॉर होम उसमें भी एक ओरल होता है एक टेस्ट हो जाता है एंड देख एक रिटर्न हो जाता है उसमें अगर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास पूरा इन डिटेल होमवर्क स्केड्यूल्स होते हैं उसके बाद फिर हम टीचर्स को मैं अपनी ये डायरेक्ट करती हूँ कि आप वही वाला काम जो आपने क्लास में करवाया है उसकी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे दें इसलिए जिस तरह मैथ्स में है इट्स ऑलवेज प्रैक्टिस आप टू सम्स अगर हमारे शॉर्टेज ऑफ पीरियड भी होते हैं टाइम का भी इशू हो जाता है जिस तरह अगर आप इन एक्सरसाइज हमारे 10 क्वेश्चन हैं मैक्सिमम आप 6 क्वेश्चन जो हैं क्लास में करवा दें जो 4 हैं और जो आप पहले उन्हें ब्रीफ कर दें बच्चों को बिकॉज हमारे क्लासेस में स्लो लर्नर्स भी होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे तो हर जगह कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम हमेशा वहीं पर आती है जो स्लो लर्नर्स होते हैं ठीक है घर में भी जाके पेरेंट्स के भी आई डोंट ब्लेम द पेरेंट्स ऑल्सो ठीक है वो उनका कंसर्न ज्यादा होता है इन बच्चों के ऊपर तो वो ऑब्वियसली वो ज्यादा हर टाइम कंसर्न रहते हैं ट्यूशंस भी देते हैं लेकिन मेरी टीचर्स के साथ ये डिस्कशंस होती हैं कि हम इस पे माशाल्लाह से हमने इस पे वर्कआउट भी किया है कि मेजोरिटी ऑफ वर्क हम क्लास रूम्स में ही हम कवर करवा देते हैं एज इट्स एक्टिविटी बेस्ड हम बात करते हैं ना हमारा सिस्टम चेंज हो गया और नाउ वी आर मोर टूवर्ड्स एक्टिविटीज तो एक्टिविटी बेस्ड क्या लर्निंग है कि 2+2 4 हमने पढ़ा हुआ है लेकिन बच्चों को हम क्या क्लासरूम एक्टिविटी में करवाएंगे विद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज आइसक्रीम प्रैक्टिकली वो देखें प्रैक्टिकली वो करें बिकॉज आजकल जो सिस्टम है हमारा ज्यादा आईक्यू लेवल एस्थेटिक सेंस क्रिएटिविटी बच्चे में ज्यादा एनहांसमेंट करनी है और हमारा करिकुलम भी माशाल्लाह से इसी के मुताबिक डिजाइन होता है दैट्स अमेजिंग आपके पॉइंट को कॉम्प्लीमेंट करूंगी कि वी नीड टू रियलाइज कि वी आर फैसिलिटेटर्स ना कि कंट्रोलर्स या मैनेजर्स क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा होमवर्क दिया है तो वी शुड कीप इन माइंड कि मेरी क्लास में अगर एक बच्चे के पास भी वो होमवर्क वो घर से नहीं कर सकता या वो चीज़ उसको अवेलेबल नहीं है तो वी शुड प्रोवाइड देम लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हो और आपकी बुक में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया गया है वर्ड मीनिंग्स फॉर दैट यू कैन यूज न्यूज़पेपर वो ज़खीरा अल्फाज है और उसका कितने न्यूज़पेपर्स अवेलेबल होते हैं जस्ट टेक आउट वन पेज ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर और क्राइटेरिया ये रखें कि एटलीस्ट 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस आपने बनाने हैं और वो वर्ड आपने अखबार में से अंडरलाइन करके उसको कट करके पेस्ट करना है अपनी कॉपी पे और फिर फाइंड आउट करना है थिंक कि बच्चे को पता है मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है मैंने 3 वर्ड्स ढूंढने हैं वो रीड भी करेगा वो उसको कट भी करेगा आपके पास एविडेंस भी है कि इसने कट किया अगर पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर दिया तो नाउ पेरेंट्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि टीचर्स ने एटलीस्ट फैसिलिटेट तो किया है और फिर इन ऑल्सो इट्स डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ Habit of reading इतनी आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से everything's on video हर चीज आप देख रहे हैं so you're not reading मतलब maximum क्या read करते हैं जो article आ जाता है मेरे पास एक activity है हाय ब्रेक आ गई इतनी जल्दी अच्छा हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं उसके बाद मेरे पास एक एक्टिविटी है बड़े मजे की जिसमें हम टीचर्स को टेस्ट करेंगे फिर मैंने बच्चों से भी बात करनी बच्चे बोर तो नहीं हो रहे आज टीचर्स की बातें सुननी पड़ रही है सारी है ऐसे ही है देखो ये एक्सप्रेशन लेना छोटा सा एक्सप्रेशन छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ वेलकम बैक टू मेहेकती मॉर्निंग मेरे पास एक एक्टिविटी है जो टीचर्स और बच्चों के कोऑर्डिनेशन के साथ होगी तो आप लोग जो है डिसाइड कर लें कि आपने किस बच्चे को जो है अपना पार्टनर बनाना है सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे एक पिक्चर आपने उस पिक्चर में से जितना मैक्सिमम चीज़ें मेमोराइज कर सकते हैं वो आपने करनी है एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पिक्चर एंड लेट्स सी इट्स अ काइंड ऑफ अ मेमोरी टेस्ट ठीक है जी चलिए जी दिखाइए
ये वाली तो नहीं है, अगली वाली है ये. चल, कैन एवरीबॉडी सी? किड्स, यू हैव टू सी इट टू एंड मेमोराइज व्हाट्स इन इट. बस बस इतनी सी दिखाएंगे. चलें, कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश कर रही थी मैं ज्यादा ज्यादा मेमोराइज करूं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपसे, सो चूज योर पार्टनर. दिस गर्ल, आप आ जाओ. क्या नाम है आपका बेटा? माइक है आपके पास? माइक ले आए. चलें जी, आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाए और बैठ जाए अपनी टीचर के साथ. आ जाओ जी. Now you have to name 10 items जो आपने उस पिक्चर में देखे. दोनों ने मिल के करने हैं. Crayons. Okay. Children. A teacher. Okay. Softboard. Windows. Windows सी बीच में. अच्छा अच्छा. And chart papers. Aviates. पीछे chart papers थे. Chart papers. Desk. डेस्क. अच्छा, क्या कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. बेटा हेल्प नहीं कर रहे हो टीचर की. आप हैं दो, आपने बताने हैं. टू मोर. बंच ऑफ मार्कर्स इन द पॉट. ओके, आई थिंक योर टीचर सेड दोज वर क्रेयॉन्स बट वी विल सी व्हाट दे आर. और वन लास्ट थिंग. रेड चार्ट्स ऑन द सॉफ्ट बोर्ड. Red charts on the soft board. Papers. Red papers, like post-its. Let's see. Can we see the picture now? Let's see कितनी चीजें इसके अंदर ठीक थीं. Oh, यार ये post, ये तो red charts on the wall में तो मैंने भी नहीं देखे थे. Nice observation skills, kid. अच्छा जी, ये मुझे तो इतने दूर से नहीं नजर आ रही है. Crayons हैं कि markers हैं? Can somebody tell me? कामरान आप बता दें. मार्कर्स हैं जी. तो सॉरी टीचर जी, आपके बच्चे को जो है ना मिल गया इसका. अच्छा, पोस्टर्स भी आपने बिल्कुल सही बताया, क्रेयॉन्स बीच में नहीं थे. दैट ब्रिंग्स द चिल्ड्रन आर देयर, द टीचर इज देयर, एंड चार्ट पेपर्स कौन से? वेयर आर द चार्ट पेपर्स? द वन ऑन द वॉल, वो जो पीछे द बैक में है, एविएट्स टाइप. अच्छा, वी विल एक्सेप्ट दैट. एंड देयर इज अ टेबल एंड ऑब्वियसली चेयर्स दैट दे आर सिटिंग ऑन, एंड देयर इज अ टीचर, एंड देयर इज अ विंडो, नॉट विंडोज. क्लैपिंग होनी चाहिए जी. वेरी नाइस, गुड गुड टास्क. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके साथ कौन होगा? चूज योर पार्टनर. अलीशान, कैन यू कम? अलीशान बेटा आप वापस चले जाओ. अलीशान आप माइक लेके इधर आ जाए. चले जी, जल्दी से भाग के पिक्चर दिखाई जाए. नजर आ रहा है आप? पिक्चर जी. I'll try to memorize as many as I can. ये तो चीटिंग हो रही है, इनको ज्यादा देर दिखा रहे हैं, है ना? ये तो चीटिंग हो जाती. चले जी, what did you see? 10 items. Ali, to start, yeah? Clock. ये तो मैंने भी नहीं देखी थी. Okay, there's a clock. Chairs. Okay. Tables. Okay. Teacher help नहीं करेंगे? विंडो के साथ कर्टन्स नजर आ रहे थे. There were curtains. ठीक है. It was an empty classroom. Walls. Okay. And earth की पिक्चर थी और उसके ऊपर कुछ शायद आई गेस सेव अर्थ का कुछ था डिस्प्ले. So observant. And what else? What else? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए. Quickly, 4 more. Blue and green color. Yeah. We're not talking about silence in the room and the colors in the room. Nahi. And tangible things. There's a green chart paper. Acha. Okay. And there were blinds of the on the windows. Okay. You said curtains too. So. So blinds. Blinds or curtains? Blinds. Blinds. Okay. So my curtains got you. You're back to 1 2 3 4 5 6 7. Hanji. Four more. Four more. Come on. Seven. Yeah. Three more. मैथ्स की टीचर है. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? कम ऑन, यू मिसिंग आउट. यू नो वेयर एवर देयर आर फैन, आई गेस फैन स्टेज. फैन स्टेज में विद द पेज. ओके. और इनका स्कोर 8 है अभी तक. सो अच्छा, हैव टू बीट दैट. हम लोग 9 का था. एंड यू हैव चेयर्स हो गए.
tables, chairs. सब हो गया, eight हो गए. So we're gonna count down now, kids. Ten, nine, eight, seven, six. बजा लो कुछ. Four, three, two, one. Music. अच्छा जी, eight. Picture दिखाई जाए. Let's see if they are right. So they said there's a clock. Is there a clock there? Yes. Zabardast. Is there a chair? Yes. Chairs and tables, yes. Walls. Obviously very wise of you to choose walls. Hain ji. Earth ki picture kidhar hai? Oh, right there on the big board. Acha. Green chart paper. I see it under the clock. Blinds. Are those blinds or curtains? Curtains. You said curtains first. And fans. And there are no fans. Oh, there is a fan. Oh, chota sa fan hai wahan pe. Chale ji. So your score is 7. Oh. Very nice, ji. Very nice. Who else? You want to go next? Choose your partner. Very good, ji. Bache ke liye bahut saari taaliyan ho jaye, teacher ke liye bhi. Very nice. Okay, who do you want to choose as your partner? Rahim, please come. Come on, hurry. Bhag ke aana hai. Bhag ke, bhag ke, bhag ke, bhag ke. Shabash. Challenge. Okay, picture दिखाई जाए. ये teacher ने glasses भी पहन लिए. Very competitive. 10 things इसमें से आपने निकाल ली हैं. ठीक है जी. Let's all look at it carefully. इसमें से 10 कैसे निकलेंगे? इसमें से 10 नहीं होते. इसके से इसमें 10 नहीं है. अच्छा जी. चलें. Yes, Ryan. Your time starts now. Number. Books. Books. Children. Children. Cupboard. Achha. Shelves. And? Shelves. Shelves we say. Mm-hmm. Table. Table. Tables chairs. And? Chairs. Chairs and? Books. Ho gaya. Books ho gaya. Ek cheez maine notice ki thi. I don't know if you noticed that. It was the first thing I noticed. Kar do main help. Aap log usse नाराज तो नहीं होंगे? उसके कान में कुछ लगा हुआ था बच्चे के. There was a pencil. अच्छा. और यू आर 1 2 3 4 5 6 7. टीचर बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है. नॉट एक अच्छा पार्टनर नहीं आप ये टीचर में बता रही हूँ. ड्रॉर्स भी थे. ड्रॉर्स भी थे. कलरफुल ड्रॉर्स. एंड 1 2 3 4 5 6 7 8. Two more. Think. There was nothing else. Nothing else? Nothing. Done? Else. Challenge the picture dikhaye. Let's see. So there's books. There's a book. There's children. Cupboard. Where's the cupboard? The shelves behind. There are shelves behind and the drawers. Cupboard to nahi. No cupboard. Shelves. So I'm going to cut down cupboard. There's shelves there. There's a table and I don't see a chair, but we can assume that they're sitting on a chair. There's a pencil and drawers kind. At the back, the red, blue and the yellow ones. Chale, ab hum shelves or drawers? Maan le dono. They are. Ek cheez manenge hum. Either they're shelves or they're drawers. I see shelves. They can be classified as drawers, I think. And the drawers. They're all drawers, I think. ये क्या हो रहा है? Let's see. अच्छा, let's ask the kids. Kids, you have to vote. How many of you think there's drawers behind the kids? चार बच्चे. How many of you think there's shelves behind the kids? No. Shelves and drawers. There are shelves and drawers. ये तो बराबर. चले हम दोनों मान लेते हैं. Okay. 1 2 3 4 5 6. 7 points. So abhi tak hamari jo first team thi wo lead kar rahi hai. Which teacher wants to go next? Okay, choose your partner. Pehle clapping ho jaye sab. Ji. You've chosen your partner? Yeah. Hasnain. Hasnain, mic leke aa jaiye bhag ke. Chalen ji. Show us the picture. हाँ, चीजें बहुत कम थी उसमें. आए वो क्रिएटिव. ये पॉइंट देती हूँ आप लोगों को. ठीक है. अच्छा, ये देखें तो भरा हुआ है चीजों से. ये किसने बनाई है? ये अनफेयर गेम है जी. चले. अरे
नहीं 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 हम तो रेडी नहीं थे मैंने देखी नहीं ठीक है यू गाइस सीन इट देख ली हां टेंशन हो गया इनका हो गया हो गया देख लिया इन लोगों ने शोर ओ वाह जी वाह चले बताएं लैपटॉप्स लैपटॉप्स टेबल्स टेबल्स चिल्ड्रन चिल्ड्रन चेयर्स चेयर्स डोर डोर सब्जेक्ट बुक्स बुक्स ओके बैग्स बैग्स विद इट स्क्रीन किडी स्क्रीन हां लैपटॉप के बटन स्क्रीन वॉलपेपर मेबी नॉट वी नॉट गोइंग टू डिसेंबल ब्लैकबोर्ड ब्लैकबोर्ड भी था अच्छा सॉफ्टबोर्ड सॉफ्टबोर्ड एंड पेपर्स ऑन सॉफ्टबोर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड पेपर्स ऑन चैनल जी हमने 10 कर लिए डू यू वांट टू नेम एनीथिंग एल्स जस्ट इन केस कुछ गलत हो जाए ये नजदीक वाले लोग बताए मुझे बुक्स नजर आ रही है नो बुक्स इन देयर बुक्स नहीं है बुक्स नहीं है देयर इज पेपर्स ओनली बैग्स कैन एनीबॉडी सी बैग्स नो नो बैग्स सी मैं कह रही थी सेफ हो जाओ इज देयर अ बोर्ड ब्लैक बोर्ड नहीं है स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड देयर इज अ स्मार्ट बोर्ड मान ले नहीं नहीं इट्स अ बोर्ड इट्स अ बोर्ड देखिए आई वुड हैव टेकन दिस इनटू कंसीडरेशन अगर आपने सॉफ्ट बोर्ड भी ना कहा होता फिर राइट सो इज देयर अ सॉफ्ट बोर्ड या देयर इज ओके सो वी गोना टेक सॉफ्ट बोर्ड इनटू बिकॉज़ देयर इज नो ब्लैक बोर्ड बेटा देयर इज अ स्मार्ट बोर्ड पेपर्स यस pamphlets yeah, there are on the table the two on the table are you calling those papers pamphlets no the papers are the white one the red and the blue one are the are pamphlets. The pamphlets so there's 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 wow to ye to tie ho gaye hain ji do we have another volunteer yes 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 one more teacher to go do we have another picture hai mere paas jo main ek thi morning mere paas activity hai बच्चों के लिए एंड लेट्स सी बच्चे किस किस स्कूल से बोथ स्कूल्स और जस्ट वन स्कूल वी हैव 8 स्टूडेंट्स सो लेट्स सी बच्चों की जो है ना एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कौन सा स्कूल जीतता है ठीक है जी अच्छा आप लोगों ने करना ही है कि पास द पार्सल खेला है सबने यस सो वी गोना पास द पार्सल और जिसके ऊपर भी पार्सल आता है यू हैव टू चूज अ नंबर फ्रॉम हियर एंड उसके अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू अ टास्क टू डू ठीक है सो लेट्स स्टार्ट चैलेंजिंग पास इट ओके जी माइक दे दे माइक पकड़ो जिसके पास क्या नाम है उसका वलीद एक नंबर चूज करें सोच के रखा हुआ था वलीद ने है जी अच्छा 25 लेट्स सी मैंने पहला वर्ड सुना मैंने कहा व्हाट उल्टी एबीसी सुना है कैन यू उल्टी एबीसी सुनानी है जी टू ए चलो एटलीस्ट 5 उल्टे सुना दो ना उसमें से 5 उल्टे सुना दो 5 उल्टे चल जेड Y good X W हाँ हाँ पहले शुरू से एंड तक पढ़नी पड़ेगी ना फिर दो और कम W V very good जी very good clapping for you कौन से स्कूल से हैं आप चलिए एक नंबर दे देती हूँ let's go again pass the parcel ओके जी अपना नाम बताएं पहले और नंबर चूज करें क्विकली माइक 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 बल्ली अच्छा ठीक है ज़ारा एंड 8 8 ओके हेलो समझ आ जाती है ना काटना जरूरी है अच्छा 8 क्या टीचर्स कौन कौन सी पनिशमेंट्स देती हैं बताइए हैं जी जल्दी से मत देखो टीचर की तरफ हाँ बिल्कुल नहीं डरना टीचर की तरफ नहीं देखो आज आज सारे बदले ले लो आज बता दो मुझे इतनी नहीं मिलती पनिशमेंट कि जिसको मिलती है उस बेचारे के लिए कुछ बोल दो हैं क्या पनिशमेंट मिलती है क्लास में सबसे ड्रेडेड पनिशमेंट कौन सी है कि ये वाली ना मिल जाए कम ऑन बच्चों बी ब्रेव टेल अस Standing out of the class. What? Class के बाहर. मैं भी. कौन से स्कूल से हो?
educators. Okay, educators, आपको मैं half number दे रही हूँ, ठीक है? Because there was there wasn't honesty in there. Be honest. मेरी break बंद होती थी, मैं सबसे बुरा लगता था. चलिए जी, pass the parcel again. चलिए जी, mic जल्दी से दे देना, mic दे दें. What's your name? आर्यन, कौन सा number? Please मेरे नजदीक वाला choose करना. Number. Oh, so sweet. चलिए जी. ऑमलेट बनाने की रेसिपी बताएं. हाउ डू यू मेक एन ऑमलेट? ऑमलेट में डलता क्या है पहले तो बता दो. हाँ, जाफर से टमाटर, प्याज, प्याज में एग, मिर्च. स्पैनिश ऑमलेट बन रहा है. और क्या? साल्ट. सॉल्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. क्लैपिंग हो जाए भाई. ब्रिलियंट ऑमलेट, ब्रिलियंट. कौन से स्कूल से हैं आप? देखे जी, सॉरी आप लोगों का नंबर नहीं आया, शायद आपकी थोड़ी किस्मत खराब है. टाइम हमारा अप हो गया. आई हैव सो मेनी वंडरफुल एक्टिविटीज फॉर यू. मैं दिल करे आप लोगों को मैं जाने ना दूं, बट वी कैन कंटिन्यू देम आफ्टर द शो इज ओवर एज वेल. मेरे पास सबके लिए बहुत मजे मजे के गिफ्ट्स भी हैं, और आप सब जो है यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे. थैंक यू सो मच टीचर्स फॉर बींग हियर. यू डू अ वंडरफुल जॉब. And I salute all the teachers out there, all there in the world who are teaching in any capacity. Sirf school ke andar teaching nahi, jo itne sare hamare ustad hain, jo ke schools jinke structures bhi nahi bane hue, wo bahar jo hai ek kursi pe baithte hain aur wo bachchon ke liye jo hai wo classes dete hain. So all of you, meri bahut sari duaen hain aap sab ke liye. And I would specially ask everyone ke sari teachers ke liye jo hai wo dua kare. Ye ek sadqa jariya hai jo shuru hota hai inse aur fir aage jo hai wo transfer hota rehta hai. Thank you so much for being with us. Thank you everybody for watching. Thank you kids for being with us. Aap se mulaqat hogi inshallah kal. Tab tak ke liye.